बात भी बेहतर रहता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, जो ऊर्जा के अन्य स्रोतों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन इससे वायु प्रदूषण भी नहीं है। इससे मानव, वन जीव और पूरा आर्थिक पारितंत्र ये सुरक्षित रहता है। ये विशेषकर ग्रामीण महिलाओं बालिकाओं के लिए वो श्रम साध्य और अरुचिकर कार्य, दूर दराज जाकर आपको लकड़ी भी लेकर आना है, लकड़ी से ईंधन जलाना है, रसोई चलनी है, रजनी वर्ग है और अरुचिकर उसको कट कर देगा, आपका समय बचेगा और उस समय का उपयोग हम लोग बहुत सारे उत्पादक कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे स्मोकी किचन या धुएंदार रसोइयों में, रसोई घरों में महिलाओं, बालिकाओं व अन्य पुरुषों को भी रसोई में काम करते हैं, उनको उस धुएं का स्वास्थ्य पर होने वाला प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं होता है। अभी हम लोगों ने उज्ज्वला स्कीम शुरू की है, लेकिन वो भी गैस बेस्ड है, एलपीजी गैस है, लेकिन अगर हम सोलर एनर्जी का टैप करेंगे तो हमें उस गैस की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इससे पहले पहले कहें कट द प्राइसेस, कट इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग लंग एंड आई एलिमेंट्स, फेफड़ों के रोग, आंखों के रोग जो उस धुएं कारण होते हैं, आप उसको भी आप बचा पाएंगे। तो बहुत सारे बहुआयामी स्वास्थ्य पर लाभ भी हैं और अंत में इसके आर्थिक और सामाजिक लाभ क्या है, वो भी बहुत लंबी लिस्ट है, इतना समय नहीं शायद हम सबकी बातें कर पाए, फिर भी I should continue. Okay. Let other people also decide their time. Next, please. Next, please. हाँ, मैं कुछ बातें जल्दी लेकर जा रहा हूँ, जहाँ टेक्निकल बातें थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर दूंगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा सबसे पहली बात तो यह है कि जो सोलर एनर्जी का सोशियो इकोनॉमिक है, ये ऊर्जा सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। What is energy security? इंडिया इज स्टिल एनर्जी इनसिक्योर कंट्री। हमारी डिपेंडेंसी आज की तारीख में भी सबसे अधिक इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर, फॉसिल फ्यूल विद इंपोर्ट। आपने देखा होगा अभी जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, ये पहला प्रश्न चिन्ह उठा कि अब हमें सप्लाई कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी। ग्लोबल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की बहुत चेंजिंग वेरी ड्रामेटिकली। भारतवर्ष दो तेल आघात झेल चुका है 1973-1979। ओपेक देश, देशों के संगठन है, उन्होंने 400% इन 73 एंड 250% 79 प्राइस इंक्रीज कर दिया। अगर हम आयातित पेट्रोल पर ही अपनी ऊर्जा उत्पादन पर निर्भरता करेंगे तो हमारा अचानक पेमेंट बिल बहुत बढ़ जाता है। तो सिक्योरिटी का मतलब है व्हेन वी हैव आवर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी, डिपेंडेबल सोर्स, लो कॉस्ट सोर्स एंड दैट कैन रीच एवरीबॉडी। तो हम लोग अपने आप को आज सिक्योरिटी के क्षेत्र में आगे करना चाहते हैं, विच इंक्लूड्स एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। डिफेंस तो है ही अपना सिक्योरिटी, लेकिन उसके अलावा सिक्योरिटी के बहुत सारे आयाम हैं, उनमें से एनर्जी सिक्योरिटी इज द प्राइम टू मूव द इकोनॉमी फॉरवर्ड। 10 मिनट की लाइट चले गई, हमने पूछा इनसे तुरंत, हमने कोई वैकल्पिक व्यवस्था है कि नहीं, उन्होंने कहा हाँ है, हमने क्या है, जनरेटर है, हमने कहा समझ गया जनरेटर भी डीजल यूज करेगा। अगर आज हमारे पास सोलर होता तो हमें डीजल जैसे CO2 बेस्ड ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता नहीं करनी पड़ती, तो शायद सूर्य देवता को मालूम था कि पीके घोष इस विषय बोलने वाले थोड़ा सा उसका प्रश्न भी बांध लिया, राइट खत्म कर दिया, शायद ऐसा शायद था, दैवयोग से ही है, लेकिन मैं तो सहयोग मानता हूं कि मेरी भूमिका उन्होंने बना दी। इसके बाद हम देखा जब हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट कम करेंगे तो भारत का आयात का जो खर्चा है सबसे बड़ा खर्चा हमारा ईंधन पर बनता है। अगर आज भारत केवल तेल का आयात न करे, अगर न करना पड़ता तो हमारा आयात का जो पेमेंट करना पड़ता है
वो बहुत कम होता है उससे जितना हम निर्यात से आय कमाते हैं, हमारा ट्रेड सरप्लस होता है। हमारे व्यापार में घाटे का जो एकमात्र कारण है वह ह्यूज पेमेंट ऑफ इंपोर्टेड क्रूड ऑयल बिल्स। सोचिए अगर केवल हम उससे मुक्ति पा रहे हैं तो हमारे पास अतिरिक्त बचेगा, उस अतिरिक्त पैसे का उपयोग हम बहुत सारे प्रोजेक्ट में, डेवलपमेंट काम में, एजुकेशन और हेल्थ जैसे क्षेत्र में लगा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, हम लोग यहां पर विद्यालय में बैठे हुए हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं आप सबने मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन के छात्र हैं, समावेशी विकास सब लोग पढ़ते ही होंगे, इंक्लूसिव आइडिया है, इंक्लूजन यस और नो, कुछ मालूम नहीं, जानते होंगे जी सर। हाँ, तो अगर किसी ने मुझसे सवाल किया कि टेल मी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबसे दो महत्वपूर्ण तत्व तो क्या है, समावेशी विकास क्या है, जानते मैंने क्या उत्तर दिया? मैंने कहा दो एलिमेंट्स आर एजुकेशन एंड एजुकेशन तलिया तलिया, पहला भी शिक्षा है, दूसरा शिक्षा है, बाकी इसके बाद आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन। तो मैं आज ही चाहता हूं कि यू बी एजुकेटेड। अगर इकोनॉमिक्स की बात हम लोग कर पाते तो शायद मैं बहुत बताता कि अभी कुछ दिनों पूर्व एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री का निधन हुआ, प्रोफेसर अभिजीत सेन, वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे। जब नौवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनी तो ही वाज़ द मेंबर प्लानिंग कमीशन, उन्होंने एक नारा दिया था, नाइन इज माइन, नौ ही मेरा है। और इसके दो अर्थ हुए, फर्स्ट नाइन मेंट 9% ग्रोथ ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग 5-5 प्लान, 9% समृद्ध। दूसरा था 9% ऑफ जीडीपी ऑन टू इंपॉर्टेंट इश्यूज, 6+3 6% ऑन एजुकेशन, 3% ऑन हेल्थ, दैट इज 9। आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन इज डबल देन हेल्थ। केवल हम शिक्षित हो जाएं, इसलिए मैंने पहला पूछा कि 90 डिग्री या 180, 90 डिग्री मेक्स यू एजुकेटेड, 180 डिग्री मेक्स यू लिटरेट नॉट एजुकेटेड, तो बी एजुकेटेड। मैं अभी इनसे बात कर रहा था, नाबार्ड के प्रतिनिधि हैं यहां पर, तो बातचीत में उन्होंने बताया कि मैं उड़ीसा से था। मैंने कहां से है, कहा मैं कटक से है। मैंने कहा मेरा भी मूल स्थान कटक है, लेकिन मैंने एक बात उनको नहीं बताई, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरे पिता कटक के हैं और मेरे जो वंशावली है, वंशज जो है, वो सुभाष चंद्र बोस की है, वो भी कटक में जन्मे थे। तो मेरे दिलो दिमाग में हमेशा वही देश प्रेम, वही जज्बा, वही जागृत रहता है। उस पर मैं शेयर भी सुनाऊंगा पांडित जी के साथ आगे। नेक्स्ट मैंने कहा कि इससे न केवल हमारे ईंधन के खर्चों में कमी आएगी, लेकिन ये एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो अन्य किसी की तुलना में सबसे कम समय बना सकता है। विदिन 24 आवर्स यू कैन हैव अ सोलर रूफटॉप सिस्टम, बट यू मे टेक मंथ्स एंड ईयर्स फॉर ए न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, मंथ्स एंड ईयर फॉर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, लेकिन सो क्विक, इतना कम समय बना सकते हैं। अगर आज टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रेशियस एलिमेंट, अगर आप समय को बचा रहे हैं, आपने मतलब आपने आय का सृजन किया, तो इससे बढ़िया क्या होगा कि आप अल्पतम समय में एक ऐसे अक्षय स्रोत को बना रहे हैं जो सबसे चीपर भी है, आज के सबसे कम कॉस्ट का भी है। बहुत सारी स्टडी है, मैं यहां पर शेयर नहीं कर पाऊंगा कि विगत कुछ वर्षों में इस स्रोत में इतना सोलर और एंड आल्सो विंड एनर्जी इतनी तेजी से कटती आई है। और अभी हम लोगों ने 4 तारीख को, इसी महीने की 4 तारीख को नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, हाइड्रोजन मिशन, जिसमें इनिशियली भारत सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ एलोकेट किए हैं, उसके आगे चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो वो भी ये बताता है कि आने वाले समय में 1 kg ऑफ हाइड्रोजन की जो कॉस्ट आएगी लगभग 80 रुपए, वो 2.8 लीटर ऑफ पेट्रोल लगभग 300 रुपए के बराबर। सोचिए 80 रुपए में आप 3 लीटर पेट्रोल का खर्चा निकाल लेंगे,
एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो क्लीन एनर्जी. तो वी आर मूविंग फास्टर, मेनी मेनी फास्टर वे. इसी चार तारीख की घटना है 4 जनवरी. आपने पढ़ा होगा जस्ट हाइड्रोजन से मिशन. और जैसे ही हमने योजना अनाउंस की है उसके बाद अमेरिका के बहुत सारे इन्वेस्टर ने कहा कि वी आर रेडी टू इन्वेस्ट $30 billion इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया. तुरंत हम अटेंड कर रहे हैं ग्लोबल कैपिटल विद इंडिया लीडरशिप, विद इंडिया लीडरशिप. एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड एंड इंडिया ऑल्सो. इसके बाद आपने कहा रैपिड कैपेसिटी एडिशन इन द शॉर्ट टाइम पीरियड. आप बहुत ही कम समय में अपने ऊर्जा उत्पादन की क्षमताओं में बहुत तेजी से वृद्धि कर सकते हैं जो किसी अन्य क्षेत्र में नहीं है. जैसे मैंने कहा महीनों वर्षों लग जाएंगे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में, थर्मल बनाने में, लेकिन यहाँ पे कुछ दिन कुछ सप्ताह में ही आप बना लेते हैं. और हमने कर दिखाया, मैं आगे एग्जाम्पल दूंगा जिसमें से मोदेरा का तो छोटा सा माइक्रो एग्जाम्पल है जहां पर गांव को 24 घंटे 7 दिन केवल सोलर एनर्जी पर बेस कर दिया. इसका कारण कि ऑफ ग्रिड डिसेंट्रलाइज्ड लो टेम्परेचर एडिशन. सभी जगह हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहीं दूर बनती है. अगर आपके यहाँ बिजली आ रही है तो बहुत मीलों दूर कहीं पे प्लांट लगा हुआ चल के ग्रिड के थ्रू आपके पास आ रही है. देखिए सोलर एनर्जी डिसेंट्रलाइज्ड है. आप एक मोहल्ले में, एक गांव में, एक महाविद्यालय में सोलर एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं और यहां से आगे डिस्ट्रीब्यूट करके बिक्री भी कर सकते हैं. महाविद्यालय भी इससे आय अर्जित कर सकता है. ऐसे बहुत से प्रोग्राम का जिक्र मैं करूंगा. इट इज डिसेंट्रलाइज्ड. ये विकेंद्रीकरण है. विकेंद्रीकरण भारत की नीति का एक केंद्र बिंदु है जहां पर सब केंद्रित न हो जाए किसी एक जगह हाथ में और सबसे विकेंद्रीकृत कर सकते हैं. It is advantageous and affordable from rural application purposes. जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में हम इसका उपयोग करते हैं उसके लिए लाभदायक है, कम लागत की है और त्वरित उपलब्ध भी है, निरंतर उपलब्ध है. तो ये भी इसका एक अलग बेनिफिट है. फिर मीटिंग एनर्जी नीड ऑफ पावर, हीटिंग, कूलिंग रूरल एरिया. आप इस ऊर्जा का उपयोग गर्माहट प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, ठंडक शीतल के लिए भी कर सकते हैं और तमाम वो कार्य जो बिजली द्वारा करते हैं वो सब कार्य आप इस ऊर्जा से कर सकते हैं. नॉट कंफाइंड ओनली हीटिंग बट कूलिंग ऑल्सो, कुकिंग ऑल्सो, एवरी सोर्सेस आप आते हैं. दैट इज द बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी. टू जनरेट पावर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने भी कहा आप उत्पन्न करके इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आगे बेच भी सकते हैं. ऐसी कई स्कीम्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है. यहाँ पे आपको उनकी जानकारी दी राइट सोलर एनर्जी बहुत ब्रीफली कि आप क्या इसके लाभ हो सकते हैं हमको आइडिया. साथ ही साथ इससे ग्रामीण स्तर पर, ग्राम स्तर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, कार्य क्षमता बढ़ सकती है. अगर हमें केरोसिन यूज ना करके रात में अगर सूर्य प्रकाश मिलता है तो स्टूडेंट्स का कैरियर बेटर होता है, उनकी स्टडी बेटर होती है, उनका ज्ञान बेटर होता है. ये सारे जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ बेस्ड ऑन रिसर्च पेपर्स एंड देयर कंक्लूजंस. केवल विगत 5 वर्षों में भारत में जो केरोसिन की बिक्री होती थी उसकी तुलना में आज केवल 20% एक्सपेंशन केरोसिन बना है. पूरे भारत के अंदर की बात कर रहा हूं, केवल 5 वर्षों में 100 रुपए से घटकर केवल आज 20 रुपए केरोसिन यूज कर रहे हैं. बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग अदर सोर्स ऑफ इंक्लूडिंग सोलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दैट. ग्रामीण स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक है, लोगों के ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में सहायक है. और साथ ही साथ जब लिखा कि केरोसिन पर होने वाला खर्च और बिजली का भुगतान करने के बिल में होने वाला खर्च ये सब कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सोलर एनर्जी. देखिए ये बात जो आज हम कर रहे हैं इस बात को हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र लेवल पर मेरे का सब लोग जानते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG गोल्स शायद आप जानते हो 17 गोल्स हैं जिनको हमने फाइनलाइज किया 2015 में यूनाइटेड नेशन इंडिया द पार्ट ऑफ 17 गोल्स. हर गोल पूरे विश्व को और मनुष्य को और प्रकृति को सतत रूप से आगे बनाए रखने के लिए दिखाया गया है. उसमें से गोल नंबर 7 7 घोड़े सोने दे कितना इंपॉर्टेंट 7 गोल. छठवां गोल नहीं रखा, आठवां रखा
आप देखते होंगे अक्सर कई बार वो जो लोग मैसेजेस भेजते हैं उसमें सूर्य के रथ में सात घोड़े जुटे हुए हैं, यहाँ भी गोल नंबर 7 है, सिंबॉलिक है। तो वो सातवां हमको कहता है कि हमें अगले 15 वर्षों तक यानी 2030 तक के गोल हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत समय हो जाएगा। वो कहता है क्लीन एनर्जी विच इज ऑल्सो एफोर्डेबल, वो स्वच्छ ऊर्जा सबको मिल पाए जो सबके भुगतान क्षमता के भीतर हो, एफोर्डेबल हो, कम लागत में। और इस क्लीन एनर्जी को इस संयुक्त राष्ट्र का ये उद्देश्य 15 वर्षों का, और इस 15 वर्ष के उद्देश्य में संयुक्त राष्ट्र उद्देश्य में भारत भी उसका भागीदार देश है, वी आर फाउंडर मेंबर, तो वी आर ऑल्सो कमिटेड टू मूव इन दिस डायरेक्शन। ये बात है 2015 के कमिटमेंट की। 2015 पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये था, दूसरा 2015 में एक और घटना हुई थी, सब लोग जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC, उसकी हर वर्ष बैठक होती है अलग अलग जगहों पर, जिसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो जो देश है उन सबका सम्मेलन होता है केवल क्लाइमेट चेंज और उससे जुड़े हुए मुद्दों पर सम्मेलन होता है। 2015 में 21 कॉन्फ्रेंस COP21 हुआ था फ्रांस में पेरिस में, और वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है 2015 की, हर साल होता है। आप देखो कुछ महीने पहले अभी नवंबर में हुआ था, नवंबर 2022 में शर्मल शेख इजिप्ट में हुआ था, उससे ठीक एक साल पहले अक्टूबर 2021 में हुआ था ग्लासगो में। ग्लासगो में क्यों मैंने जिक्र किया, अभी मैं उसका जिक्र करूंगा, फिर जोड़ूंगा SDG के साथ। तो 2015 में पहली बात ये हुई, हम लोगों ने ये अनाउंस डिसाइड किया गोल 7 जिसमें क्लीन एनर्जी की बात की, मतलब की नेक्स्ट प्लेस। और गोल 2015 में पेरिस में, पेरिस 2015 कॉन्फ्रेंस पार्टी 21 ये अनाउंस, जिसमें जो मेजर आउटकम्स थे, प्रमुख विचारों के बाद निर्णय लिए गए, विश्व स्तर पर भारत उसका एक प्रमुख भागीदार देश है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, उसमें जो मेन ऑब्जेक्ट था वह क्लाइमेट चेंज के लिए उठाए जाने वाले कदमों को सशक्त बनाना, साथ ही साथ एडेप्टेशन कि हम लोग अपने आप को अनुकूल बनाए, जो पैटर्न क्लाइमेट में हो चुका है उनके अनुरूप बनाए। और यहाँ पर नाबार्ड बैठे हुए हैं, और मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि नाबार्ड भारत का वो एजेंसी है जिसको संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए एक एजेंसी चुना है कि वो तय करे कि किस प्रदेश में कौन से प्रोजेक्ट अंडर एडेप्टेशन है जहां पर हम फंडिंग कर पाएंगे। इट इज द नेशनल लिंक बिटवीन यूनाइटेड नेशंस एंड नाउ हमने बहुत सारे एडेप्टेशन प्रोजेक्ट लागू किए हैं, यानी अनुकूल बनाना अपनी कृषि को, अपने अन्य व्यवसाय को, जो जगह परिवर्तन अवश्य भावी है, जो हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है, गर्मी हो चुकी है, उसके अनुरूप कैसे ठहरें और कैसे उस बदले हुए मौकों का लाभ उठाएं, ये सेकंड फेज में। फिर हमने कहा कि लॉन्ग टर्म गोल है।